हेलो क्लास टेंथ, आज का हमारा टॉपिक है योगात्मक अभिक्रिया एडिशन रिएक्शन। ठीक है ना, तो योगात्मक अभिक्रिया एक असंतृप्त जो हाइड्रोकार्बन है, हमने पहले बात की थी ना कि जो हाइड्रोकार्बन होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक संतृप्त और एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है ना, तो योगात्मक अभिक्रिया जो अनसेचुरेटेड आपके हाइड्रोकार्बन हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का एक महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, यानी जो योगात्मक अभिक्रिया है वो केवल असंतृप्त हाइड्रोकार्बन द्वारा प्रदर्शित की जाती है। अब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में आपके एल्कीन भी आते हैं और एल्काइन भी आते हैं, दोनों होते हैं एल्कीन और एल्काइन, यानी जिनमें डबल बॉन्ड है वो वाले भी और जिनमें ट्रिपल बॉन्ड है वो वाले भी। ठीक, तो योगात्मक अभिक्रिया होती क्या है? योगात्मक अभिक्रिया की सबसे पहले मैं डेफिनेशन आपको बताता हूं कि वह अभिक्रिया जिसमें कोई असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसी अन्य पदार्थ के साथ संयोग कर एकल उत्पाद बनाता है। अब देखिए, योगात्मक अभिक्रिया हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ी है, वहां हमने क्या कहा था कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर कोई एकल उत्पाद बनाते हैं तो उसको योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। यहां भी वही डेफिनेशन है, यहां केवल हम हाइड्रोकार्बन के संदर्भ में पढ़ रहे हैं। तो हम कहते हैं कि ऐसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, या जब कोई असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो किसी दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया कर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसको योगात्मक अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है ना, और योगात्मक अभिक्रिया के बाद जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है आपका, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदल जाता है। यानी जब भी योगात्मक अभिक्रिया होगी तो आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदल जाएगा। ठीक है ना, तो योगात्मक अभिक्रियाएं असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों का एक प्रमुख गुण है, जिसमें हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ क्रिया करता है। ठीक है ना, तो जो भी द्विआबंध होगा, डबल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड में। ठीक, जैसे हम उदाहरण लेते हैं, एथीन, फर्स्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं कि एथीन की हाइड्रोजन से अभिक्रिया, एथीन के हाइड्रोजन से अभिक्रिया। ठीक है ना, अब एथीन क्या है? एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है जिसका सूत्र क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये आपका क्या है? एथीन। तो जब इस एथीन की क्रिया हम हाइड्रोजन गैस के साथ कराते हैं निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, निकिल की उपस्थिति में, ऊपर जो लिखा है हल्का सा निकिल भी डाला जाता है और गर्म किया जाता है, तो क्या होता है कि हमारे पास दो हाइड्रोजन परमाणु है, देखिए 2, तो एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ जुड़ जाता है, दूसरा हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ जुड़ जाता है। क्या बना? देखो, इस कार्बन से दो हाइड्रोजन पहले से जुड़े थे, एक और आ गया तो कितने का हाइड्रोजन हो गए? 3 हो गए ना। इस कार्बन से दो हाइड्रोजन पहले थे, एक यहां से आ गया तो कितने हो गए? 3। और जो आपका द्विआबंध था वो किसमें बदल जाएगा? सिंगल बॉन्ड में। ये हमेशा याद रखना कि जो असंतृप्त यौगिक है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? संतृप्त में। यानी जो एथीन है वो किसमें बदल गया? आपका एथीन में। तो योगात्मक अभिक्रिया में होता क्या है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की क्रिया हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन से भी करा सकते हैं, क्लोरीन से भी करा सकते हैं, ब्रोमीन से भी करा सकते हैं। ठीक है ना, तो जब हम किसी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की क्रिया हाइड्रोजन क्लोरीन या ब्रोमीन से करते हैं तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनता है। ठीक, इस अभिक्रिया को हम हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कहते हैं।
हाइड्रोजनीकरण, ये जो रिएक्शन होती है इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया, कि जिसमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन से योग करता है और किसमें बदल जाता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में, ठीक है ना। इसलिए हाइड्रोजनीकरण की अभिक्रिया जो इसका परिभाषा है वो ये है कि वह अभिक्रिया जिसमें कोई असंतृप्त हाइड्रोकार्बन निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन से क्रिया कर, हाइड्रोजन से क्रिया कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का निर्माण करता है, उसे हम हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे जो अभिक्रिया मैंने अभी लिखी थी वह हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया थी, जैसे ये लिखा था CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्या नाम है इसका, एथीन। ये एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इसकी क्रिया हमने हाइड्रोजन से कराई, किसकी उपस्थिति में, निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में। तो एक हाइड्रोजन यहां जुड़ गया, एक हाइड्रोजन यहां जुड़ गया। अब याद रखना ये CH3 में कन्वर्ट हो गया, ये भी CH3 में। और प्रमुख अंतर यह होता है कि डबल बॉन्ड किस में बदल जाता है, सिंगल बॉन्ड में। और भी आप अपने मन से उदाहरण ले सकते हो, देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम है प्रोपीन, इसकी क्रिया हम हाइड्रोजन से करा रहे हैं, तो एक हाइड्रोजन इधर जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन इधर जुड़ा, किसकी उपस्थिति में, निकिल की। तो क्या बन गया, देखिए CH3 CH2 CH3 प्रोपेन में कन्वर्ट हो गया, प्रोपीन जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोपेन में। एथीन जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, एथीन में। तो ये हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया होती है, इसका प्रयोग वनस्पति तेलों, वनस्पति तेल को वनस्पति घी में परिवर्तित करने के लिए होता है। कैसे, देखो जो आपके वनस्पति तेल होते हैं, वेजिटेबल ऑयल है ना, इसमें जब हाइड्रोजन गैस पास की जाती है निकिल की उपस्थिति में, तो ये वनस्पति घी में परिवर्तित हो जाता है, जिसको हम डालडा कहते हैं, ठीक है ना। तो वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण किया जाता है, क्या बनाने के लिए, वनस्पति घी को बनाने के लिए, ठीक है ना। तो ये थे हाइड्रोकार्बनों के कुछ प्रमुख अभिक्रियाएं। थैंक यू।